देखो सुनो, करो स्टार्ट, बोलो कर दो स्टार्ट, बोलो जल्दी कर दो स्टार्ट, हो जाए शुरू। ठीक है, आप कुछ बोलोगे नहीं लेकिन मैं कर दूंगा। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही सभी को? प्रणव आवाज आ रही? ओके ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ये तो। सुनो अभी, यहाँ पे देखो बच्चों, आप सभी को देखो, सबसे पहले तो मैसेज करके बताओ, सबको हाइब्रिडाइजेशन आता है? जल्दी बताओ, सबको हाइब्रिडाइजेशन आता है निकालना? सबके सब बताओ, सभी बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है? अगर नहीं आता हो तो बता दो, मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको, 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है ना, कि जिसको नहीं आता 2 मिनट में बता दूंगा। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत बच्चों को नहीं आता। ऑर्गेनिक की स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक की, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, बस ऑर्गेनिक की। सुनना, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा मैं आज मीनिंग भी बता दूंगा आपको, क्योंकि काम वाली चीज है। ठीक है ना, काम वाली बाई नहीं, ये काम वाली चीज है। ठीक है ना, देखो अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बस थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा। कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एकदम ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इत्तु सा इत्तु सा। ठीक है ना, कोई इसको ज्यादा दिल पे मत लो। और कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। बस ये याद रखना है आपको, इतना ही याद रख लो आज के लिए, इतना बहुत है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, बस इतना सा थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि मैं क्या बताने जाता हूं। देखो अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मान लो यहां पे मैं X ग्रुप लगा दू, हेलोजन लगा दू, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2 है। ठीक है ना, इफ हेलोजन, इफ हेलोजन इज अटैच टू, इफ हेलोजन इज अटैच टू sp2 कार्बन, अगर आपका हेलोजन बच्चों, अगर आपका हेलोजन sp2 कार्बन को अटैच है कुछ इस तरह से, तो इसे कहा जाता है विनाइल क्लोराइड, सॉरी विनाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ पहले तो ये बात। अगर आपका हेलोजन sp2 कार्बन को अटैच है तो इसे बोला जाता है विनाइल हेलाइड। क्या आप सभी बच्चे विनाइल हेलाइड का मीनिंग समझ पाए हो? मैसेज करो, क्या आप सभी बच्चे विनाइल हेलाइड का मीनिंग समझ पाए हो? बताओ। अगर हेलोजन sp2 कार्बन को अटैच है तो उसे हम बोलेंगे विनाइल हेलाइड। अब यहाँ पे क्लोराइड भी हो सकता है, अब यहाँ पे क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा ना। दूसरी बात, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH लिख दू, सुनो CH2 हेलोजन। अब यहां पे एक बात सुनो, ध्यान से देखना इसको। अब तुम ही मुझे बताओ, यहां पे सिंगल बॉन्ड है सब, तो ये आपका sp3 कार्बन होगा, यहां पे डबल बॉन्ड है sp2 कार्बन होगा। भाई आप बोलोगे सर जी अगर हेलोजन, देखो यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं ना आपको, मैं जब क्वेश्चन लूंगा ना तो थोड़े बहुत आप भी घबरा जाओगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आने लायक के। ठीक है ना, अगर हेलोजन sp3 कार्बन को अटैच है और उसके सामने कौन है? sp2। अगर हेलोजन sp3 को अटैच है और नेक्स्ट कार्बन कौन सा है उसके? sp2 कार्बन है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर हेलोजन किसको अटैच है? sp2, sp3 को अटैच है, लेकिन सामने वाला कौन है वापस से? उसके sp2 है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है बच्चों अलाइल। क्या बोला जाता है? अलाइल हेलाइड, अलाइल हेलाइड। क्या सभी बच्चों को ये बात हजम हुई? अलाइल हेलाइड वाली बात हजम हुई? जल्दी बताओ हाँ या ना। विनाइल और अलाइल का डिफरेंस समझ में आया? अगर हेलोजन सीधे sp2 को अटैच है तो विनाइल, लेकिन हेलोजन sp3 को अटैच है और उसके सामने वाला बंदा sp2 है। सुनना, अगर हेलोजन sp3 को अटैच है और उसके सामने वाला बंदा sp2 है, तो इसे बोलेंगे अलाइल हेलाइड, इसे बोलेंगे अलाइलिक ग्रुप, इसे बोलेंगे अलाइलिक ग्रुप। समझे? आगे देखो, अगर अगर देखो CH2
एक्स ग्रुप है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपका हेलोजन है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका sp3 कार्बन है, और बच्चों ये आपकी बेंजीन रिंग है। अब आएगा ना मजा, मैं यहां पे sp2 नहीं लिख रहा, यहां पे क्या लिख रहा हूं, सीधे बेंजीन रिंग लिख रहा हूं। तो अगर कुछ इस तरह का सिस्टम है तो आप मुझे सब एक बार बताओ मैसेज करके। मैंने जहां पे येलो से राउंड किया, इसको हम क्या बोलते हैं रे, ये येलो वाला पूरा जो राउंड है इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बताओ, बेंजाइल बोलते हैं ना सर, ऑल अलाइल हैलाइड sp3 लाइल। हाँ बिल्कुल, ऑल अलाइल हैलाइड, सब अलाइल हैलाइड ऐसे होते हैं, ठीक है ना, होगा ये डाउट क्लियर, क्योंकि अलाइल हैलाइड एक सिस्टम है, ठीक है ना, sp3 देन sp2 और एक्स होना चाहिए। लेकिन याद रखो अलाइल हैलाइड में, ध्यान से सुनो, अलाइल हैलाइड में स्ट्रेट चेन होता है इस तरह से आगे, और यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, कंफ्यूज देखो सुनो अभी, ठीक है ना, कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाओ। ये कार्बन भी आपका sp2 है, ये sp3 है, sp2 है, तो क्या मैं इसको अलाइल बोल दू, गलत है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X। सर ये आपका sp3 है, सर ये आपका sp2 है, ठीक है ना, और क्या मैं इसको अलाइल बोलू, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन सर यहाँ पे भी तो वही चीज है ना कि सर देखो sp3 है sp2 है, तो क्या मैं इसको अलाइल बोल दू, तो बोल सकते हो, लेकिन बोलने का नहीं, क्यों बोलने का नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है क्या, नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, समझ में आया सभी को अभी, तो अगर स्ट्रेट चेन रही तो ही मैं उसे अलाइल बोलूंगा, वो अदरवाइज मैं इसको बोल दूंगा ये मेरा बन गया बच्चों, ये मेरा बन गया बेंजाइल, बेंजाइल बेंजाइल क्या बोलूंगा जल्दी बताओ, बेंजाइल हैलाइड। क्या सभी को बेंजाइल हैलाइड का मीनिंग समझ में आया, वापस से बता दूं मैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे मुझे पता है, लेकिन होने का नहीं। अगर हेलोजन sp3 को अटैच है और नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, क्या कंडीशन क्या बताई मैंने, एक सेकंड ना, कंडीशन क्या बताई, हेलोजन है sp3 है और बेंजीन रिंग है बेंजाइल हैलाइड, समझे, अगर हेलोजन है sp3 है और sp2 है तो ये आपका अलाइल आ जाएगा, याद रखना मैं सारी कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूं, देखो हेलोजन सीधे sp2 का अटैच है तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट में ना क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा फैन बढ़ा देता हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पूरा बढ़ा दूंगा मैं, सुनो अभी ध्यान से सुनना, अगर हेलोजन बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हेलोजन sp2 को अटैच है तो क्या बोलेंगे रे इसको, सर विनाइल बोलेंगे, विनाइल, बहुत अच्छी बात है। अगर हेलोजन sp2 को अटैच है, सॉरी sp3 को अटैच है और आगे sp2 है, तो इसे क्या बोलेंगे रे, इसे बोलेंगे जल्दी बताओ, इसे बोलेंगे अलाइल बोलेंगे, वेरी गुड अलाइल बोलेंगे। और हेलोजन अगर sp2 sp3 को अटैच है, लेकिन बच्चों आगे कौन है आपकी बेंजीन रिंग है, तो इसे हम क्लियरली बोल देंगे बेंजाइल हैलाइड। तो क्या आप सभी को ये वाले ग्रुप समझ में आए, बेंजाइल अलाइल और विनाइल क्या होते हैं, आई होप क्लियर हो गए, आई होप ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए, अब थोड़ी नेमिंग पढ़ लेते हैं। हाँ चलो ये कौन है बताओ, अगर इतने अच्छे से पढ़ा है अगर आपने, तो अब बताओ ये कौन है आपका, CH2Br, बोलो कौन है, बताओ जल्दी से, अब करो मैसेज, मैसेज करके बताओ, देखते कितने लोगों का सही आता है, इसका नाम बताओ, मतलब ये कौन से ग्रुप से आता है, ये कौन से ग्रुप से आता है, विनाइल अलाइल या बेंजाइल, जल्दी बताओ मैसेज, हाँ कितना, मतलब कॉन्फिडेंस तो देखो बंदी का, जोर सबके सब मैसेज करके बताओ, ऐसे बताओ मैसेज करके, सबके सब मैसेज करके बताओ। अबे रोहन, रोहन भाई इधर हाय हेलो नहीं करते, इधर पढ़ते हैं, समझे, तो समझ गए होगे तो पढ़ो जल्दी, बताओ क्या आएगा इसका, मैसेज करो यार बच्चों सबके सब। अच्छा संजना ने कहा सर अलाइल आएगा, और बताओ बच्चों, अलाइल आएगा, वेरी गुड, देखो गलती क्या कर दी सबने। अबे सुमित तुझे तो बहुत मारना पड़ेगा, अभी किस एंगल से बेंजीन रिंग लग रही है यहाँ पे, देखो
ये SP3 है आपका और ये SP2 है। क्या यहां पे बेंजीन रिंग है कहीं पे? आंसर इज नो। तो ये आपका आ जाएगा अलाइल, ये आपका आ जाएगा अलाइल। सिंपल है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH क्लोरीन। बोलो इसको मैं क्या बोलू, इस ग्रुप को मैं क्या बोलू? अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, कुछ क्या बोल सकता हूं? जल्दी बताओ इसको मैं क्या बोलू। बहुत अच्छी बात है सर, ये विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ विनाइल क्लोराइड है, लेकिन अब जब मैं आपको पूछूंगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं देखो अभी। अब गलती देखो, आप खुद भी गलती करोगे, लेकिन आंसर देने की कोशिश करना यार, वरना बोलोगे सर हम आंसर ही नहीं देंगे। CH2, CH2, X। यहाँ पे मैं यहाँ पे X ग्रुप लगा देता हूँ, कोई भी X ग्रुप। अब बताओ क्या ये, मैसेज करो आप बताओ। देखो माइक ऑफ कर दो, आप चैट में चैट सेशन में बताओ सबके सब, ये क्या है आपका, क्या है जल्दी बताओ। अच्छा अलाइल है, ओके अलाइल है, अल्काइल। वेरी गुड शिवानी, देखो ये चीज मुझे चाहिए थी। बच्चे क्या गलती करते हैं देखो, सुनो अच्छे से। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे उन्होंने चीजें पढ़ी होती है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये आपका SP3 है, ये भी आपका SP3 है और ये भी आपका SP2 है, तो क्या मैंने ऐसा केस कभी डिस्कस किया? हाँ या ना, क्या मैंने ऐसा केस कभी डिस्कस किया? आंसर इज नो। तो इसका सिंपल आंसर है सर, एक अल्काइल ग्रुप है और ये हैलाइड है, तो इसका सिंपल आंसर होगा ये एक अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है। क्या समझ में आया सभी को? ये एक अल्किल हैलाइड है, ना तो ये विनाइल हैलाइड है, ना तो ये विनाइल हैलाइड है, ना तो ये अलाइल हैलाइड है, और ना तो ये मतलब बेंजाइल हैलाइड है। इट इज अ सिंपल अल्किल हैलाइड। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं और अब सुनना। अब बोलो बच्चों ये क्या है आपका, यहाँ पे हेलोजन लगा दूँ, अब बोलो ये क्या है, मैसेज करके बताओ। ट्राई करो, ट्राई जल्दी ट्राई करो सबके सब। ये तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक, अब पढ़ाऊंगा। बच्चों मैंने बोला था इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, फिनाइल नहीं रे मदन, सुनना मैंने तो ये, हाँ वेरी गुड, इसको मैंने फिनाइल बोला था या इसको मैंने अराइल बोला था, और ये हेलोजन है तो अराइल हेलाइड। तो भाई डिफरेंस देखो, भाई डिफरेंस देखो, अभी अगर CH2 लगा दू, हेलोजन लगा दू और बेंजीन रिंग लगा दू, तो क्या दोनों का डिफरेंस आप सभी को पानी की तरह क्लियर है? बच्चों ये आपका हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड, वेरी गुड बेंजाइल हैलाइड। और भाई ये क्या बोला, ये होगा आपका अराइल हैलाइड। अब मैंने आपको अराइल हैलाइड भी बता दिया, अब मैंने आपको बेंजाइल, देखो अराइल हैलाइड में हेलोजन डायरेक्टली अटैच है किसको, बेंजीन रिंग को। बेंजाइल में हेलोजन पहले SP3 को अटैच है और उसके बाद बेंजीन रिंग है। अगर हेलोजन SP2 को SP3 को अटैच है उसके बाद, देखो मैं, चलो ये छोड़ो, ये दो बात क्लियर है सबको, मैसेज करो। क्या सभी बच्चों को अरिल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड पानी की तरह क्लियर है? मैसेज करके बताओ अराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड का डिफरेंस सभी को समझ में आया, क्लियरली समझ में आया? आदित्य देखो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे देखो सुनना, एक सेकेंड ना, देखो कोई नहीं भाई पूछते जाओ, मैं इसलिए तो हूं। ये बेंजीन रिंग है और सीधे आप इसको हेलोजन अटैच कर दो, तो ये बेंजीन रिंग, ये वाली जो चीज है ना, इसे हम अराइल कहते हैं, क्या बोलते हैं, अराइल, क्यों, या फिर फिनाइल, और इसके साथ हेलोजन अटैच है इसीलिए इसको नाम दिया अराइल हैलाइड। और इस वाली चीज को हम बोलते हैं, ये वाली चीज दिखाई दे रही है आपको, ये वाला आपका SP3 कार्बन है और ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। इस पूरी चीज को बोला जाता है बेंजाइल, बेंजाइल किस चीज को, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक जो चीज है उसको बोला जाता है अराइल। अब ये पूरी कौन सी आपकी, बेंजाइल है और हेलोजन है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंजाइल हैलाइड। क्या अब अच्छे से क्लियर है? अब बता दो, बताओ यार जल्दी बता दो, क्या अब अच्छे से क्लियर है? ठीक है गुड। अब मैं आपको पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ सबके सब, अब एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो यार इतना अच्छे से पढ़ाया ना, अब एक भी आंसर गलत मत करो।
मुझे आपसे उम्मीद है। CH2 Br, बोलो इसका नाम क्या आएगा, मैसेज करके बताओ। पहले तो ये बताओ क्या ये आपका कौन से कैटेगरी में आता है, बताओ ये आपका कौन से कैटेगरी में आता है। सबके सब मैसेज करो, बेंजाइल में आता है, सबके बेंजाइल आंसर आने चाहिए, आ रहे सभी के बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्या आएगा बोलो जल्दी बताओ। हाँ आ रहा है सबका, वेरी गुड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आएगा, ठीक है ना। दूसरा बता दो यार, दूसरा देखो ये आपके सामने है, बताओ ये कौन से कैटेगरी का इंसान है, बोलो ये कौन से कैटेगरी का इंसान है, सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन से कैटेगरी का इंसान है जल्दी बताओ, सेकंड वाला कौन से कैटेगरी का इंसान है जल्दी बताओ। गलत नहीं होना चाहिए, मार दूंगा, बहुत मारूंगा मैं। विनाइल की स्पेलिंग अच्छे से लिखो सबके सब, विनाइल गायत्री क्या है ये, बहुत मारूंगा तुझे भी, बहुत मारूंगा। ओके विनाइल, हाँ विनाइल लिखो ना, VEQ विनाइल, हाँ ये वाला, क्योंकि सर SP2 को, हाँ SP2 को सीधे अटैच है ये वाला, ये बंदा ना सीधे SP2 का अटैच है, इसको कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका विनाइल है, आगे बढ़ते हैं, बोलो क्या है ये क्या भला है, बोलो जल्दी से ये क्या है। रुको रुको, जानबूझ के इसको थोड़ा खतरनाक तरीके से लिखता हूं, अभी मैं थोड़ा खतरनाक तरीके से लिख देता हूं, क्लोरीन, बोलो ये क्या है आपका। एक रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग नहीं भाई, हाँ ठीक है ना, ये कार्बन की सिंपल चेन है और उसको हेलोजन अटैच है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मस्त एकदम। ये सर अल्किल हैलाइड है, ये आपका अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें कोई नहीं, एक अल्किल ग्रुप है, एक अल्किल ग्रुप है और हेलोजन है। अब थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूं मैं, डबल देखो बताओ अभी ये कौन सा है आपका, ये देखो रेड से मैं डिब्बा बना देता हूं, बताओ ये क्या है आपका, बताओ सबके सब, गलत मत कर देना सबके सब, बताओ गलत मत कर देना सब, इसको हटा देता हूँ सबको मैं, ये बताओ सब, ये नहीं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला बताओ मुझे, अल्काइल या अलाइल, थोड़ा अच्छे से देख के बताओ सर। ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, SP3 कार्बन है, और ये वाला कौन सा है बोलो, SP2 कार्बन है, आप बताओ। अरे माइक ऑफ कर दो, ठीक है ना, बोलो कौन है, बताओ सबके सब, क्या है रे, अल्काइल नहीं, अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, ठीक है ना, ये अलाइल हैलाइड है, ये अलाइल हैलाइड है, बिल्कुल अब गलती मत कर दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो गए, वेरी गुड, अलाइल हैलाइड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई भी गलत मत कर देना अभी, बिल्कुल गलत मत कर देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड अच्छे से लिख देता हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड क्यों निकाल रहा हूं, डराने के लिए, नहीं डराऊंगा आज, आज बिल्कुल डराने के मूड में नहीं हूं मैं, वेट आ, बोलो ये कौन है आपका जल्दी बताओ, ये वाला आपका कौन है, ये देखो ब्रोमीन है, नीचे वाला कार्बन कौन सा है आपका, SP3, ये कौन सा है आपका, SP2, तो बोलो यार ये कौन सा है आपका जल्दी बताओ, कौन सा है आपका जल्दी बताओ, अलाइल है। अब आपको समझ में आया कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है, अलाइल है, लाइड है। आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि अलाइल हैलाइड कौन होते हैं, विनाइल हैलाइड कौन होते हैं, ये कौन सा बन गया आपका वापस से, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख दूँ तो ये वाला कौन सा बन गया आपका, ये वाला ग्रुप कौन सा बन गया जल्दी बताओ। आप बोल दोगे सर ये विनाइल है, ठीक है ना, ये आपका विनाइल है। तो यही मुझे बताना था कि अगर अगर कभी भी आपको मैं कंडीशन अगर मैं बताऊँ कंडीशन कौन कौन से पढ़ाए थे, तो आपको याद रखना है अगर SP3 हो, SP2 हो, SP3, SP2, यार ये क्या कर दिया मैंने, सुनो देखो वापस से मैं जाते जाते कंडीशन आपको बता देता हूँ, फिर कल आपको आप उसको रिवाइज करके एक बार आ जाना, ठीक है ना बच्चों। नहीं सुनो, आप तुम मुझे इसका नाम बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 Cl, बताओ कॉमन नेम, बोलो अभी कॉमन नेम बताओ,
अब पढ़ा दिया ना आपको, अब कॉमन नेम बताओ बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है बोलो, कॉमन नेम बताओ। विनाइल क्लोराइड। अब आपको मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रही होगी नेमिंग। CH3, इसको देखो अच्छे से लिख देता हूं मैं, देखो विनाइल क्लोराइड CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CL। आप बोलोगे सर सर कितना आसान है, सर SP3 है, सर SP2 है, तो इसका नाम आ जाएगा, इसका कॉमन नेम आ जाएगा, बोलो बोलो सबके सब। अलाई अलाइलिक, वेरी गुड, अलाइल क्लोराइड, वेरी गुड। ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा सा थोड़ा इसको अच्छे से लिखूं, ये देखो। अब आपको पता है सर, हेलोजन सीधे, हेलोजन सर जी, हेलोजन सीधे बेंजीन को अटैच है, तो क्या मैं इसको अराइल बोल सकता हूँ, अराइल हेलाइड की जगह पे अराइल ब्रोमाइड लिख सकता हूँ। क्लियर है सभी बच्चों को, मैसेज कर दो। क्या सभी बच्चों को अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं एट द एंड क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कि आपको, अब कोई बच्चा चाहे तो फिनाइल ब्रोमाइड लिख दो, आपकी मर्जी भाई, केमिस्ट्री आपकी, आपके हिसाब से चलाओ, फिनाइल ब्रोमाइड लिख दो, आपकी मर्जी, वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे लिख दो। ठीक है ना, ओ माय गॉड, इसको मैं स्क्रीनशॉट निकाल देता हूँ। ठीक है ना, अब सुनो, अब ये भी बता दो थोड़ा सा, अगर आप इतने कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते फिर। CL बोलो यार, इसका नाम तो बताओ, CL नाम तो बताओ, बोलो बेंजाइल। वेरी गुड, ये आपका बेंजाइल, वेरी गुड, क्लोराइड बन जाएगा। तो देखो आज मैंने क्या कोशिश की आप सभी को, कि आप सबको ये आना चाहिए, थोड़ी सी नेमिंग आनी चाहिए, आप सभी को थोड़ी सी नेमिंग आनी चाहिए, और फिर नियो पेंटाइल वगैरह जो, मतलब जो भी ग्रुप मैंने पढ़ा है, वो थोड़े से आपको थोड़े ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने बस आपको आज कॉमन नेमिंग पे फोकस किया था बच्चों, तो आप सभी ने अच्छे से कॉमन नेमिंग कर लेनी है, जो भी आज पढ़ाया। NCERT का बुक उठाओ, या जो भी आपका स्टेट बोर्ड का बुक है उठाओ, सारी चीजें आपकी बता रहा हूँ, पूरे दिमाग में छप गई होगी अच्छे से। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, बाकी की जो थोड़ी बहुत नेमिंग है, थोड़ी बहुत नेमिंग बाकी है, वो हम कल भी देखेंगे, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों, बच्चों ध्यान से सुनना, कल इतना खतरनाक चीज पढ़ने वाले हैं ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? एक तो हम पोलैरिटी डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत नेमिंग डिस्कस करेंगे, और हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। मैं थोड़े से लिविंग ग्रुप बताऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगा, न्यूक्लियोफाइल बताऊंगा, जो कि इस चैप्टर